गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, एज़ यूनिट 8 द ग्रेट हीरो वी हैव कम्प्लीटेड इन आर टेक्स्ट बुक एंड आई हैव ऑलरेडी सेंड यू द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ वर्क बुक एंड होप यू ऑल हैव कम्प्लीटेड योर क्वेश्चन आंसर। ओके, ये जो ग्रेट हीरो जो आपका चैप्टर है, इसमें गांधी जी से रिलेटेड 3 स्टोरीज़ हैं। ठीक है, तो 3 स्टोरीज़ को जो है अलग अलग पैराग्राफ्स में डिवाइड करके और इसमें आपको क्वेश्चन आंसर्स पूछे गए हैं, तो आपको ये सारे क्वेश्चन आंसर्स को फिल करना है जिससे आपके चैप्टर का रिवीजन हो जाएगा। और लास्ट में ये आपके कुछ पर्सनैलिटीज़ के बारे में दिया हुआ है, तो इनको आपको पिक्चर पेस्ट करके इनके बारे में लिखना है। ठीक है, अब चलते हैं ग्रामर पोर्शन पर, जो कि है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपको क्या बताया था कि इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म और हैज़ या हैव जो है वो लगाया जाता है। तो यहाँ पर देख रहे हो ना आप, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, फिर सिंपल पास्ट टेंस है और लास्ट में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम क्या यूज़ करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डांस, सिंग। ओके, सिंपल पास्ट टेंस में हम यूज़ करते हैं वर्ब की सेकेंड फॉर्म, डांस्ड, सेंग, इस तरीके से। ठीक है, जबकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं और उसके साथ में हैज़ या हैव जो है वो लगाया जाता है। ठीक है, तो हैज़ और हैव कब लगाते हैं, जब सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या फिर प्लूरल हो तो हम हैव लगाएंगे, और अगर आपका सब्जेक्ट ही, शी, इट या सिंगुलर है तो हम हैज़ लगाएंगे, और दोनों ही कंडीशन में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ की जाएगी। ओके, नेक्स्ट पेज पर आपको जो है कुछ वर्ब्स दी हुई हैं और उनकी तीनों फॉर्म भी दी हुई हैं, जैसे कि जंप, जंप्ड, जंप्ड। ठीक है, इसके बाद में लाइक, लाइक्ड, लाइक्ड। तो ये जो आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है वो आपको लर्न भी करनी पड़ेगी। और इसके बाद में हम आते हैं, ये फॉर्म आपको यहाँ पर फिल करनी है। ठीक है, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आपको फिल करनी है। आपको यहाँ पर ब्रैकेट में टेंस का नेम दिया गया है और उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर वर्ब फिल करनी है। जैसे कि फर्स्ट जो है हमारा, ये वर्ब है कम, और इसको हमको तीनों सेंटेंस में टेंस के अकॉर्डिंग भरना है। तो फर्स्ट है सागर, फिर ब्लैंक, होम, लेट। तो इसमें हमको भरना है सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो कम आएगा। ठीक है, लेकिन इसमें एस लगेगा। वो भी आपको बताया था कि अगर आपका सब्जेक्ट ही, शी, इट या सिंगुलर है तो आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगाना है। ठीक है, अब क्योंकि अब सागर है तो सागर सिंगुलर है, तो इसलिए हम कम में एस लगाएंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, सागर, ब्लैंक, होम, लेट, और इसमें जो आपको वर्ब भरनी है वो भरनी है सिंपल पास्ट टेंस की, यानी कि सेकेंड फॉर्म भरनी है। तो कम का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, केम। ठीक है, इसके बाद में जो है आपकी थर्ड फॉर्म दी हुई है, थर्ड जो आपका सेंटेंस है वो है सागर और ब्लैंक, होम, लेट। ठीक है, इसमें आपको भरना है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो इसमें क्योंकि सागर सिंगुलर है तो हैज़ आएगा, और कम की थर्ड फॉर्म कम होती है, ये ओ ई है, गलती से टच हो गया है, तो हैज़ कम, सी ओ एम ई, होम, लेट। तो इस तरीके से कम्स फर्स्ट फॉर्म, केम सेकेंड फॉर्म और हैज़ कम थर्ड फॉर्म। आपको इस तरीके से अपने सारे सेंटेंसेस में फिल करनी है। आगे वाला भी देखिए, इसके बाद में नेक्स्ट सेंटेंस आपको अगले पेज पर ऐसे दिए हुए हैं, तो आपको इस तरीके से आपने फिल कर लिए होंगे। नेक्स्ट जो हमको सीखना है ये इम्पॉर्टेंट है, आपको इसमें जो सिंपल सेंटेंस दिया होता है, ठीक है, उसको आपको यस और नो वाले सेंटेंस के साथ में लिखना है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए मैंने एक सेंटेंस को यहाँ पर लेकर आपको उसमें क्वेश्चन मार्क वाला और यस और नो वाले तीनों सेंटेंसेस जो हैं वो बनाए हैं। तो सेंटेंस है हमारा, वी क्लीन्ड द क्लासरूम। ये सिंपल सेंटेंस है हमारा। ठीक है, तो जब हम इसको क्वेश्चन मार्क में चेंज करेंगे तो सबसे पहले लगाएंगे हम डिड। ठीक है, क्योंकि क्लीन्ड आपका सेकेंड फॉर्म है तो इसमें डिड आएगा, फिर इसके बाद सब्जेक्ट आएगा, इसके बाद में प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और फिर प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। डिड क्योंकि सेकेंड फॉर्म है इसलिए अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म काम में आएगी, तो आपका सेंटेंस क्या बनेगा, डिड वी क्लीन द क्लासरूम, और लास्ट में आएगा आपका क्वेश्चन मार्क।
अब इसी सेंटेंस को जब हम यस वाले में बनाएंगे तो कैसे करेंगे? सिर्फ आपको आगे यस लगाना है और बाकी का सेंटेंस आपको एज इट इज लिख देना है। यस वी क्लीन द क्लासरूम। लेकिन जब हम इसी को नो वाला सेंटेंस बनाएंगे, नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले नो आएगा और फिर प्लस सब्जेक्ट आएगा, और नॉट लगाने के लिए हम कैसे लगाएंगे? डिड नॉट साथ में आएगा, फिर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। क्योंकि यहाँ पर डिड नॉट आ गया है तो अब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, तो सेंटेंस क्या बनेगा? नो वी डिड नॉट क्लीन द क्लासरूम। ठीक है, तो क्लीन का जो है यहाँ पे जो है क्लीन नहीं आएगा, क्लीन आएगा, फर्स्ट फॉर्म आएगा, डिड आ गया है इस वजह से। तो इस तरीके से सारे सेंटेंस जो है आप अपनी वर्कबुक में इस तरीके से ट्राई करेंगे, बनाएंगे। ठीक है, ये सारे मैंने यहाँ पे आपको फिल करके रखे हैं, लेकिन पेज नंबर 103 के जो कुछ सेंटेंस हैं ये आपको खुद से करने हैं फॉर प्रैक्टिस। ठीक है, जिससे कि आपको भी क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस और नो वाला और यस वाला सेंटेंस आपको बनाना आ जाए। और लास्ट में है जो हमारा दिया हुआ है, पेस्ट अ पिक्चर ऑफ योर फेवरेट लीडर एंड राइट 8 to 10 सेंटेंसेस अबाउट हिम और हर। तो मेरे फेवरेट जो लीडर हैं वो है सरदार पटेल, तो मैंने सरदार पटेल के बारे में लिखा था। तो पेज नंबर 73 पर आप चाहें तो इसमें सरदार पटेल के बारे में लिख सकते हैं, या फिर आप अपने कोई भी फेवरेट लीडर के बारे में लिख सकते हैं। तो इस तरीके से ये यूनिट 8 भी जो है आपकी वर्कबुक में कंप्लीट होती है। इसको अच्छे से लर्न भी करिएगा, लिखिएगा। थैंक यू।